तो देखिए ढाबे में जाके रोड के हाईवे में जाके वो तेल की तरी वाली आलू की सब्जी जब हम ऑर्डर करते हैं ना और मुंह में पानी आ जाता है, आज वो ही हमने हमारे वीडियो में बनाई है बिल्कुल आपके सामने विदाउट एडिटिंग, जो दिखता है वो ही बनता है। जायका का तड़का में ये वीडियो देखिए और ढाबे को घर में ही ले आइए और आपके फैमिली मेंबर्स उंगलियां चाटते रह जाएंगे, गारंटी हमारी। तो चलिए आज हम बनाएंगे ये कढ़ाई वाले ढाबे की आलू की सब्जी। ये देखिए हमने यहाँ पर मीडियम स्मॉल साइज आलू लिए और आलू को अब हम तेल हमारा बिल्कुल गर्म है इसमें, ठीक है, ढाबे स्टाइल की आलू की सब्जी बन रही है ना तो तेल तो अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे आलू ये फ्राई हो रहे हैं तेल में, क्योंकि हम ढाबे वाली स्टाइल बना रहे हैं तो देखिए तेल तो ज़्यादा लगता ही है, पर खाने में तो आपको वही मज़ा आता है ना जब ढाबे और रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ मिलती है ऐसी चटाकेदार आलू की एकदम तेल वाली सब्जी तो मुंह से निकलता है वहाँ मज़ा आ गया खाने में। आज तो आज घर में ही चलिए ये सब्जी हम बनाएंगे। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं आपको आलू के, नॉर्मली अगर आप कच्चे आलू डालेंगे, हमने ये छोटे छोटे साइज़ के आलू लिए हैं, अगर आप कच्चे आलू डालते हैं तो इनको 10 से 12 मिनट फ्राई होने में लगेंगे, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है समय नहीं है तो जायका का तड़का में हम आपको टिप्स तो बताते ही हैं, आप इन आलू को एक फुल फ्लेम पे एक सीटी ले लीजिए प्रेशर कुकर में, एक विसिल ले लीजिए फुल फ्लेम पे और उसकी सीटी निकाल दीजिए। तो फिर उसके बाद क्या होता है आलू तो हल्के से आपके सॉफ्ट हो जाते हैं ना, तो 5 मिनट में आपके फ्राई हो जाएंगे। तो देखिए आवाज़ सुनिए यहाँ पर, ये बिल्कुल भी हम आपको देखिए बाहर जो हम खाते हैं ना ढाबे में वहाँ ऐसे आलू बनेंगे आपके, तो वो वाली रेसिपी आपको दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये रोज़मर्रा की सब्जी है, पर कभी कभी मन करता है, हर बार रेस्टोरेंट और ढाबे में नहीं जा सकते, 250 रुपये के आलू की सब्जी आप ऑर्डर करेंगे, घर में आप इसको 50 रुपये में बना लेंगे। देखिए यहाँ पे क्योंकि क्या यूज़ होते हैं 6 से 7 आलू, टमाटर की प्यूरी, कुछ तेल चाहिए हमें, तो आप 50-70 रुपये में घर में सबके लिए ये शानदार सब्जी बनेगी और सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोग प्यार से बनाएंगे। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। आज लेके आए हैं कढ़ाई वाली ढाबे वाले आलू की सब्जी, ऐसी जो आपने कभी भी नहीं देखी होगी। अगर देखिए आपको भी मन कर रहा है कि अभी ढाबे से गर्मा गर्म आलू की सब्जी आ जाए तो लाइक करिए, आपके लाइक्स आते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको हमारी रेसिपी बहुत अच्छी लग रही है। तो आप देख सकते हैं हमारे क्योंकि एक सीटी लगी हुई है ना कुकर की फुल फ्लेम पर और उसको हमने उसकी स्टीम भी निकाल दी है, तो देखिए इसलिए अब कलर बहुत जल्दी चेंज हो रहा है इस आलू में। अब देखिए थोड़ी सी अदरक डालेंगे हम ग्रेटेड, थोड़ी सी लहसुन 4 से 5 कलियाँ और ये सब हमने ग्रेट कर लिया, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। अब यहाँ पर हम मिर्ची डाल रहे हैं। अब हमने क्या करा है ना, मिर्ची में स्लिट लगा के उसके बीज निकालने हैं क्योंकि बहुत तीखी हो जाती है मिर्ची। यहाँ पे होल मिर्ची डाली है बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। अगर आप नॉर्थ साइड में जाएंगे ना तो ढाबे इतने रैम्पेंट मिलते हैं वहाँ पे और हर किसी को याद होता है जब हम ट्रैवल करते थे बस से या कार से, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ढाबे पर खाने में आहा गर्मा गर्म रोटी, तंदूरी रोटी और आलू की सब्जी और छोले की सब्जी और दाल फ्राई इतनी बढ़िया लगती है ना कि मज़ा आ जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी कड़ी पत्ता भी डालेंगे हम, मीठा नीम, यानी कि अगर देखिए आपका भी मन कर रहा है मुँह ललचा रहा है तो लाइक शेयर करिए। अब हम इसमें डालेंगे जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स। अच्छा लग रहा है, मुँह में पानी आ रहा है, ढाबे की याद आ रही है, बचपन की याद आ रही है। तो लाइक करिए, आपके लाइक्स आएंगे ना तो हमें भी पता चलता है कि आपको बहुत अच्छी लग रही है ये रेसिपी। अब हमने क्या डाला गेस करिए, टमाटर प्यूरी, हमने 2 बड़े बड़े टमाटर की प्यूरी बना ली थी यहाँ पे और फिर देखिए वो टमाटर प्यूरी डाल दी, वाओ। आवाज़ सुन के ही मन कर रहा है ना इसको खाने का। ढाबा और रेस्टोरेंट में आप जब जाते हैं ना खाने के लिए तो इतना ही तेल डलता है, तो आज ढाबे की सब्जी हम घर में बना रहे हैं ताकि अपन सबको पता चले कि तेल कितना डलता है पर तभी वो टेस्टी भी लगती है।
अब हम डालेंगे यहाँ पे नमक। ये रोज़मर्रा की सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं है, ये बाहर वाली सब्ज़ी है जो आप वंस इन अ वाइल अगर घर में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब हम डाल रहे हैं यहाँ पे लाल मिर्ची, एंजॉय करिए। इसमें हमने डाली हल्की सी हल्दी, नमक, मिर्ची यानी कि सॉल्ट, रेड चिली पाउडर एंड टर्मरिक, और साथ में अब हम डालेंगे यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर 2 चम्मच। और देखिए मुंह में पानी आ रहा है। बताइए आपके लाइक्स आते हैं तो मज़ा आता है। चलिए आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देती हूँ, कल से ऑफिस डब्बा सीरीज चालू हो रही है। 12 मिनट का टाइमर लगेगा जायका का तड़का में, मतलब क्लॉक चलेगी आपके सामने लाइव वीडियो में, और उस 12 मिनट में हम ऑफिस डब्बा यानी कि ऑफिस टिफिन आपको बना के दिखाएंगे। उन दिनों के लिए जब आपको लगता है ना कि टिफिन बनाने का टाइम नहीं है, बच्चों के एग्जाम्स हैं, आप लेट उठे, घर में कुछ और काम आ गया, तो आप टिफिन कैसे बनाएंगे, बाहर से खा लेंगे या स्किप कर देंगे लंच, तो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे अब आप, क्योंकि हम 12 मिनट में चॉपिंग से लेके कटिंग से लेके कुकिंग तक आपको पूरा एंड टू एंड डब्बा बना के दिखाएंगे। तो देखिएगा ज़रूर कल 2 PM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में हम लाइव जाएंगे। ध्यान रखिएगा लाइव वीडियो होगा तो जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। अभी तो देखिए यहाँ पर हम दही डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं दही थोड़ा सा बीटन दही है, क्योंकि देखिए अभी हम इसमें घर की मलाई करेंगे, नहीं तो बाहर तो ऐसा होता है ना कि पूरी फ्रेश क्रीम डालते हैं, तो आप फ्रेश क्रीम तो मतलब मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती बाहर से लाना, तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा दही डाल लिया है। ब्लैक पेपर पाउडर डाल रहे हैं हम, और अब हम इसमें देखिए यहाँ पे हमने घर की मलाई डाल दी। आप चाहें तो इस वक्त फ्रेश क्रीम लाके खूब सारी डाल सकते हैं बाजार से, पर्सनली आई प्रेफर मलाई, तो हमने मलाई डाली है यहाँ पर। और देखिए क्या तेल आ रहा है ना, जब वो ढाबे में वो सर्व करते हैं ना बोल में, तो वो जो तेल की तरी आती है, कितनों को वो तेल की तरी दिखती है, सभी को दिखती है 100% लोगों को, और फिर वो जब टेस्ट करते हैं तो एकदम तीखी चटपटी आलू की सब्जी आपके सामने है। आज वही सब्जी आज हमने बनाई है। खाना इज समथिंग दैट बाइंड्स द एंटायर फैमिली, अगर अच्छा खाना बनेगा ना पूरी फैमिली मज़े से हंस के खाती है ना, उससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। इट कम्स टुगेदर हंस बोल के, तो इसलिए खाना तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यही देखिए बिल्कुल आपको ढाबे वाली स्टाइल की सब्जी, अगर ये आप अग्री कर रहे हैं ये आलू की सब्जी आपको अच्छी लगी तो खूब सारा लाइक दीजिएगा, लाइक शेयर करिएगा। इसको ढक देंगे हम 1 से 2 मिनट के लिए, और अगर ऐसी रेसिपीज और चाहिए आपको जो ढाबे स्टाइल की होती है ना, तो हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम ढाबा सीरीज भी करेंगे। आप चाहें तो दही और मलाई दोनों बहुत सारा डाल सकते हैं, चॉइस आपकी है। वाव देखिए मुंह में पानी आ जाएगा, ऐसी लज्जतदार कौन बोलेगा ये ढाबा स्टाइल सब्जी नहीं बनाई। मन करे तो लाइक करिएगा, आ जाइए खाने के लिए। लास्ट में गैस को बंद करी हमने और ये नींबू का रस डाला और बना दिया आपके लिए ढाबा स्टाइल सब्जी। तो जो दिखेगा ना हमारा, जो दिख रहा है अभी आपको, वही गारंटी आपकी किचन में बनेगा, ये हमारी गारंटी है, जायका का तड़का की गारंटी है। तो आज ही जाके बनाइएगा, नहीं तो इस वीकेंड बनाइएगा और फैमिली को जरूर खिलाइएगा। अब बनाइए खाइए एंजॉय करिए ढाबा स्टाइल कढ़ाई आलू, आपके लिए तेल की तरी से भरपूर ढाबा आपके घर में ही ला दिया है। लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय एवरीवन।